Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Balaji mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp on my channel. So please go through WhatsApp on my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Cockroach reproductive system. And in this particular video, we discuss about reproductive system of cockroach, which type of reproductive system found in cockroach, what is male accessory organ, what is the male reproductive organ, what is the female reproductive organ, each and everything we discuss in this particular video. So I hope you all enjoy this video. So let us start without wasting any time. So first we read part written in NCERT textbook. After that elaborate each and everything with simple and easy manner. So let us start. Cockroach are dioecious. Cockroach जो होता है वो क्या होता है? Dioecious होता है. Dioecious का मतलब मैंने आपको बताया था, और मोनोसियस का मतलब भी मैंने आपको बताया था. डायोसियस मतलब दो घरों, डाई मतलब दो, डाई का मतलब दो ना, सीएस का मतलब, सीएस का मतलब हाउस, हाउस क्या दो हाउस यानी दो घरों, मतलब घर से रिलेटेड का मतलब यहाँ पे किससे, बॉडी से, यानी दो बॉडी हों और दोनों बॉडी में अलग अलग सेक्स हो, यानी मेल अलग हो फीमेल अलग हो, तो उसको बोलेंगे डायोसियस बोलेंगे. मोनोसियस का मतलब एक होता है और सीएस रिलेटेड है बॉडी से, यानी एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पार्ट हो, तो उसको बोलते हैं मोनोसियस. आप समझ गए होंगे इतनी आसानी से, और कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. कॉकरोच आर डायोसियस. कॉकरोच होते हैं डायोसियस होता है यानी बहुत सक्सेस है विल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. कॉकरोच जो होते हैं डायोसियस होते हैं यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं और दोनों में एक विल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिसका फिगर हमको बताया गया है 7.18 में हमको फिगर दिखाया गया है, वो हम आगे चल के दिखाएंगे. पहले हम एनसीईआरटी के टेस्ट जो लिखा है उसको कवर करेंगे. ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच का, उसमें क्या होता है, क्या क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी एक पेयर जो होंगी वो टेस्टिस पाई जाएंगी, जो कि कहाँ पे होती है, लाइन ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ ईच लेटरल साइड इन 4 to 6 सेगमेंट एब्डोमेन सेगमेंट में, है ना. यानी जो कॉकरोच में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एक पेयर टेस्टिस होती हैं, एक पेयर क्या होती हैं, टेस्टिस होती हैं, जो कि लेटरल साइड में 4 to 6 एब्डोमेन सेगमेंट में पाई जाती हैं. समझ गए होंगे आप. ठीक है. फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज ए थिन वास डिफरेंस. जो प्रत्येक टेस्टिस से क्या निकलती है, एक पतली सी वास डिफरेंस निकलती है, एक पतली सी क्या निकलती है, वास डिफरेंस निकलती है, जो कि ओपन होती है, विच ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसाइकल. जो वास डिफरेंस होगी वो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो जाएगी. वास डिफरेंस ओपन, यानी विच का मतलब हुआ कि कौन, वास डिफरेंस है ना, विच ओपन, तो वास डिफरेंस ओपन इन इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू द सेमिनल वेसाइकल. यानी जो एक प्रत्येक टेस्टिस से एक पतली सी वास डिफरेंस निकलती है, जो कि इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है थ्रू सेमिनल वेसाइकल. ठीक है. सेमिनल वेसाइकल के थ्रू वो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो जाती है. द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोफोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस. यानी जो इजैकुलेटरी डक्ट होगी वो कहाँ पे ओपन होगी, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होगी मेल गोनोफोर में, जो कि वेंट्रल टू एनस, यानी एनस जो होता है, एनस जो होता है डॉर्सल साइड पे होता है ना, मतलब बैक साइड पे, पिछले साइड पे होगा, और जो वो एनस के वेंट्रल साइड पे होती है, एनस टू वेंट्रल टू एनस, यानी एनस से वेंट्रल साइड में, यानी एनस से वेंट्रल साइड पे. ठीक है. एनस से वेंट्रल साइड पे क्या पाया जाएगी, मेल गोनोफोर पाया जाएगा. ठीक है. ए कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6 to 7 एब्डोमेन सेगमेंट विच फंक्शंस एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. एक मशरूम ग्लैंड पाई जाती है ना, कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड, मशरूम शेप ग्लैंड होगी या मशरूम ग्लैंड, प्रेजेंट इन 6 to 7 एब्डोमेन सेगमेंट, जो छठे से सातवें सेगमेंट यानी एब्डोमेन सेगमेंट में पाई जाएगी, जिसका फंक्शन होगा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जो कि
एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के तरीके अपना काम करेगी। यानी मशरूम ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, मशरूम ग्लैंड जो होती है वो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आ सकता है कि मशरूम ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का इसका फंक्शन होता है, यानी सहायक होगी, ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह, सहायक ग्लैंड की तरीके काम करेगी। ठीक है, द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, बाहरी, और जेनाइटेलिया का मतलब होता है कि मतलब बाहरी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहरी पार्ट हो, जो हमको बाहर से दिखे, वो मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, जो कॉपुलेशन में हेल्प करे। जैसे हमारे वुमन में क्या होता है, जो पेनिस होता है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। ठीक है, उसी तरीके इसमें भी क्या पाया जाएगा, कॉकरोच में क्या पाया जाएगा, मेल गोनोपोफाइसिस पाए जाएंगे और फेलोमर पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो बाहर से दिखे, यानी पेनिस जो होता है वो इरेक्ट होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, उसके बाद मेल और फीमेल इंटीमेट होते हैं दोनों में। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाई मेल गोनोपोफाइसिस और फेलोमर्स। फेलोमर्स क्या होता है और मेल गोनोपोफाइसिस क्या होते हैं। द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है मेल कॉकरोच में, वो रिप्रेजेंट करता है गोनोपोफाइसिस। गोनोपोफाइसिस को क्या बोलते हैं, गोनोपोफाइसिस का और सेकंड नेम क्या है, फेलोमियर, है ना। गोनोपोफाइसिस का सेकंड नेम जो है वो फेलोमियर है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉकरोच होता है उसका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के तरीके कौन सा काम करता है, यानी कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो हम आंसर में देंगे कि गोनोपोफाइसिस पाया जाता है और जो फेलोमर पाया जाता है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के तरीके रिप्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में। ठीक है, आगे देखते हैं। जो फेलोमर होता है ये क्या होता है, फेलोमर जो होता है ये काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल गोनोफोर को सराउंड करता है, सराउंडेड मेल गोनोफोर। ये काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, है ना, और ये मेल गोनोफोर को सराउंड करेगा। द स्पर्म आर स्टोर इन सेमाइनल वेसाइकल एंड ग्लू टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पर्म होते हैं कॉकरोच में वो सेमाइनल वेसाइकल में स्टोर होते हैं, यानी सेमाइनल वेसाइकल का काम क्या होगा, स्टोरिंग ऑफ द स्पर्म। सेमाइनल वेसाइकल का काम क्या होगा, स्पर्म को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा, यानी स्टोरिंग ऑफ द स्पर्म विद द हेल्प ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। उसके बाद क्या होगा, सेमाइनल वेसाइकल में स्पर्म स्टोर हो गए और वो एक साथ यानी ऑल ग्लूड टुगेदर, वो सारे के सारे चिपक जाते हैं, यानी साथ में चिपक जाना, ग्लू टुगेदर का मतलब हुआ साथ में चिपक जाना, साथ में चिपक जाना। ठीक है, यानी वो सारे के सारे एक साथ चिपक जाते हैं और वो एक बंडल बना लेते हैं, एक वो बंडल बना लेते हैं, यानी एक बंडल बना लेंगे सारे के सारे, जब चिपक जाएंगे तो एक बंडल बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, जो कि स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, जो कि क्या होता है, डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। डिस्चार्ज होने का मतलब होता है यानी रिहा करना या छोड़ना। ठीक है, क्या होता है, छोड़ना, छोड़ना या निकालना। ठीक है, या निकालना, निकालना, छोड़ना या निकालना जो होता है, डिस्चार्ज का मतलब होता है या रिहा करना। ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब मेल और फीमेल कॉपुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो यानी मेल और फीमेल इंटीमेट होंगे, यानी मेल और फीमेल जब सेक्स करेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, कहाँ से, स्पर्मेटोफोर, है ना, जो बंडल होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। द, अब मेल के बारे में हो गया, अब फीमेल के बारे में देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज ओवरी, है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होता है वो क्या करते हैं, दो लार्ज ओवरी होती हैं, लार्ज ओवरी, टू लार्ज ओवरी मतलब वन पेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, वन पेयर ओवेरी पाई जाएंगी, वन पेयर जो होंगी ओवेरी पाई जाएंगी, जैसे टू टेस्टिस पाए जा रहे थे, यानी वन पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जा रहे थे मेल में, इसमें भी टू ओवेरी पाई जाएंगी, यानी वन पेयर ऑफ ओवेरी पाई जाएंगी, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं, लाइंग लेटरली इन 2 to 6, 2 to 6 एब्डोमेन सेगमेंट में, जो इसमें ओवेरी पाई जाएंगी वो लेटरली अरेंज होंगी, यानी वो लेटरली होंगी, यानी लेटरल साइड, यानी अगल बगल साइड, यानी बगल अगल बगल। ठीक है, इसको बोलते हैं अगल बगल,
तो गाना नहीं सुना तू मेरे अगल बगल, ठीक है। उसी तरीके का सिस्टम है यहाँ पे भी, जिसकी जो ओवेरी होंगी टू टू दो से छठे सेगमेंट में एब्डोमेन सेगमेंट में पाई जाएंगी और वो अगल बगल पाई जाएंगी, ठीक है, लेटरल साइड में। ईच ओवेरी इज फॉर्म ऑफ ए ग्रुप ऑफ एट ओवेरियन ट्यूब्यूल और ओवेरियोल्स कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि जो प्रत्येक ओवेरी होती है यानी ईच ओवेरी एक ग्रुप ऑफ एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, प्रत्येक ओवेरी है ना, प्रत्येक ओवेरी एट ओवेरियन ट्यूब्यूल का एक ग्रुप बनाती है जिसको ओवेरियोल्स भी बोलते हैं। ओवेरियन ट्यूब्यूल्स का सेकंड नाम क्या होता है, ओवेरियोल्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो सेकंड नाम जितने भी होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि जो कॉमन नेम होता है सभी याद रखें, बस सेकंड नेम जो होता है वो किसी किसी के माइंड पर नहीं रहता, यानी उसको इतना ध्यान नहीं, प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन बना देते हैं, वो हमारा जर्सिली मिस्टेक में गलत हो जाते हैं। तो हम देख लेंगे कि जो इसमें होते हैं प्रत्येक ओवेरी होती है वो एट ओवेरियन ट्यूब्यूल के साथ मिलके है ना मिल जाती है और फिर कंटेनिंग ए चेन ऑफ ओवा और एक ओवा की चेन बना देती है, डेवलपिंग ओवा की चेन बना देती है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है याद रखेंगे, ठीक है। ये प्रत्येक ओवेरी होती है जो कि एट ओवेरियन ट्यूबल के साथ मिलकर एक ओवा की डेवलपिंग ओवा की चेन बना देती है, ठीक है। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवेरियन, ओविडक्ट ऑफ ईच ओवेरी यूनाइट इंटू सिंगल मीडियन ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड वजाइना विच ओपन इंटू जेनाइटल चैम्बर। तो यानी जो ओविडक्ट होती है प्रत्येक ओवेरी की, जो ओविडक्ट होती है वो एक यूनाइट हो जाती है यानी जुड़ जाती है इंटू ए सिंगल मीडियन ओविडक्ट, एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट में जुड़ जाती है, यानी प्रत्येक ओवेरी की जो ओविडक्ट होती है वो एक यूनाइट हो जाती है यानी जुड़ जाएगी और सिंगल मीडियन ओविडक्ट बना देगी, सिंगल मीडियन ओविडक्ट बनाएगी जो कि जिसको क्या बोलते हैं वजाइना बोलते हैं, यानी वो वजाइना के तरीके काम करेगी, समझ गए होंगे ना। जो ये फिर वजाइना ओपन होती है कहाँ पे, जेनाइटल चैम्बर पे, वजाइना ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर, ये इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे हम, कि जो होते हैं ये सिंगल मीडियन ओविडक्ट होती है जिसको वजाइना बोलते हैं, ये कहाँ पे ओपन होती है यानी जेनाइटल चैम्बर पे ओपन होती है, ठीक है। ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिकी इज प्रेजेंट इन सिक्स सेगमेंट विच ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर, यानी एक पेयर स्पर्मेथिकी पाए जाएंगे, वन पेयर स्पर्मेथिकी जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, सिक्स सेगमेंट में पाए जाते हैं, जो कहाँ पे जेनाइटल चैम्बर पे ओपन होते हैं, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि स्पर्मेथिकी कहाँ पे पाए जाते हैं, सिक्स सेगमेंट में पाए जाते हैं और वो ओपन होते हैं जेनाइटल चैम्बर पे, ठीक है। स्पर्म आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्मेटोफोर के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं, स्पर्म जो होंगे वो ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर यानी स्पर्मेटो के फोर के थ्रू ट्रांसफर किए जाएंगे। देयर फर्टिलाइज एक आर इनकेस इन कैप्सूल कार्ड उथिका, यानी जो इनका फर्टिलाइज एग होता है, यानी जब एक फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो उसको क्या बोलते हैं, ए फर्टिलाइज एक इनकेस, इनकेस मतलब होता है वो ढका हुआ होता है, ठीक है, ढका हुआ होता है, ढका हुआ होता है, ठीक है, वो वो जो होता है वो ढका हुआ होता है, ढका हुआ होता है, ठीक है, वो ढका हुआ होता है जिसको क्या बोलते हैं, उथिका बोलते हैं, ठीक है। द फर्टिलाइज एक आर इनकेस इन कैप्सूल कॉल्ड उथिका, यानी जो इनका फर्टिलाइज जो होगा एक कैप्सूल में बंद होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उथिका बोलेंगे। याद रखेंगे कि उथिका क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है वो एक केस में बंद होता है यानी एक खोल से ढका हुआ होता है, कैप्सूल के खोल से ढका हुआ होता है, तो उसको उथिका बोलते हैं, ठीक है। उथिका का कलर क्या होता है, उथिका इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन, है ना, उथिका जो होता है वो किस कलर का होता है डार्क रेडिश यानी वो गहरे लाल रंग का होगा या ब्लैकिश ब्राउन यानी काले भूरे रंग का होगा कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल जो होगा उथिका का वो किस कलर का होगा, डार्क रेडिश कलर का होगा, डार्क रेडिश कलर से ब्लैकिश ब्राउन यानी काले भूरे रंग का होगा, जिसकी लंबाई होती है 8 mm, ठीक है, 8 mm लॉन्ग होता है वो। दे आर ड्रॉप और ये हमको फिगर दिया गया है, वो कहाँ पे गिराया जाता है, फिगर हम आपको बाद में बताएंगे, पहले टेस्ट में देखते हैं। दे ड्रॉप टू ए ग्लूट सरफेस, है ना, वो ग्लू मतलब सुटेबल जगह पे, जो उथिका होगा वो सुटेबल जगह पे ड्रॉप कर दिया जाएगा यानी गिरा दिया जाएगा। यूजली इन क्रैक और क्रीविस ऑफ हाई रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी नियर द फूड सोर्सेस, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो जो
वो चिका होगा वो कहाँ पे सरफेस पे सुटेबल गिराया जाएगा या चिपकाया जाएगा, किस सरफेस पे, जहाँ पे यूजली ज़्यादातर क्रैक क्रैक मतलब जहाँ पे फटी हुई जगह हो, ठीक है। और क्रीविस क्रीविसेस का मतलब होता है पॉकेट, है ना, यानी पॉकेट 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 जहाँ पे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो नियर फूड सोर्स, वो जो उथिका होगा उसका ऐसी सरफेस पे गिराया जाएगा, सुटेबल सरफेस पे वो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा जहाँ पे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो और उसमें जो फूड सोर्स हो, है ना, फूड सोर्स की हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो। ऑन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 उथिका, जो फीमेल होती है काकरोच फीमेल होती है वो 9 to 10 उथिका प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग, और एक उथिका में यानी एक उथिका में कितने होते हैं, एक उथिके में कितने 14 to 16 एग होते हैं, ठीक है। एक उथिका में कितने 14 to 16 एग होते हैं, याद रखेंगे ये कि प्रत्येक जो फीमेल होगी यानी फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 उथिका, यानी 9 to 10 उथिका फीमेल प्रोड्यूस करती है, और जिसमें कि एक कितने होते हैं 14 to 16 प्रत्येक में होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें टोटल एग निकाल लेंगे कितने होंगे, तो 126 से 160 के लगभग होंगे जो टोटल एग होंगे, 126 to 160 एग होंगे, ठीक है, इतने एग होंगे। आगे देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है वो हमारे काकरोच का साइंटिफिक नेम है, किसका है, काकरोच साइंटिफिक नेम है, ठीक है, काकरोच का साइंटिफिक नेम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। द डेवलपमेंट ऑफ काकरोच इज पैरो मेटाबोलस, ये हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पूछा जाए तो क्या है, ये है, इसको हम याद रखेंगे। पैरो मेटाबोलस क्या होता है, जो काकरोच का डेवलपमेंट होता है यानी काकरोच का डेवलपमेंट होता है वो पैरो मेटाबोलस होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें मीनिंग्स दे आर डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, यानी इसमें बहुत सारी निम्फल स्टेज पाई जाएंगी, है ना, निम्फल स्टेज पाई जाएंगी। निम्फल स्टेज का मतलब होता है जैसे एडल्ट काकरोच होता है उसी की तरीके, एज लाइक एक छोटा सा काकरोच होगा, काकरोच का बच्चा होगा वो निम्फल, उसको निम्फ बोलेंगे, है ना, निम्फ बोलेंगे, वो काकरोच की तरीके दिखेगा, एज लाइक उसकी तरीके दिखेगा, बट उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं होती, इस वजह से उसको निम्फ बोलते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, पैरो मेटाबोलस बोलते हैं, यानी पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना यानी काकरोच का जो डेवलपमेंट होता है पैरो मेटाबोलस होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका जो डेवलपमेंट होगा निम्फल स्टेज के थ्रू होगा, ठीक है। द निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, जो निम्फ होता है वो एडल्ट की तरीके, वेरी मच लाइक एडल्ट यानी एडल्ट की तरीके, यानी उसमें बहुत सारी सिमिलरिटी होंगी जो एडल्ट की तरीके दिखेगा, ठीक है। द निम्फ ग्रो बाई मॉल्टिंग अबाउट 13 times टू रीच द एडल्ट फॉर्म, यानी जो इसका निम्फ होता है वो एडल्ट फॉर्म तक पहुँचने के लिए, एडल्ट फॉर्म तक पहुँचने के लिए मॉल्टिंग करता है, यानी अपना कायांतरण करता है, कायांतरण यानी कायांतरण का मतलब अपनी बॉडी में जो स्किन होगी, है ना, केचुल, जैसे हमारे सांप होते हैं और इंसेक्ट होते हैं, लिजार्ड वगैरह होती हैं, तो वो अपनी स्किन कास्ट करती हैं, यानी अपनी केचुली उतारती हैं, यानी शरीर का अपनी स्किन को यानी चमड़ी को हटाती हैं, तो इसको बोलते हैं कायांतरण, बोलते हैं स्किन कास्ट, ठीक है, स्किन कास्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्किन कास्टिंग यानी कायांतरण करना, यानी अपनी चमड़ी को हटाना, यानी अपनी केचुली बदलना। जब वो निम्फ जो होता है वो 13 times अपनी केचुली बदलता है, लगभग 13 times केचुली बदलता है, तो वो क्या एडल्ट फॉर्म में पहुंच जाता है, यानी एडल्ट बन जाता है। द नेक्स्ट टू निम्फल स्टेज क्या, इसमें नेक्स्ट टू लास्ट निम्फ स्टेज हैज विंग पैड बट ओनली एडल्ट काकरोच है विंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो निम्फ नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज विच हैज विंग पैड बट ओनली काकरोच है विंग, है ना, एडल्ट काकरोच है विंग, तो इसका मतलब हुआ जो निम्फल यानी नेक्स्ट टू लास्ट यानी 13वीं स्टेज तक ये जाने में एडल्ट बनते हैं, यानी 13वीं नेक्स्ट टू लास्ट यानी जो होगी 12वीं स्टेज जो होगी उसमें क्या हो जाएगा, इनमें विंग पैड होंगे, 12वीं स्टेज में निम्फ में क्या हो जाएंगे, विंग्स पैड हो जाएंगी, बट जो विंग पाए जाएंगे वो सिर्फ एडल्ट में पाए जाएंगे, यानी इसकी जो 12वीं स्टेज पे होगा उसमें
क्या पाए जाएंगे, निम्फ पैड पाए जाएंगे, बट इसमें सॉरी विंग पैड पाए जाएंगे, बट इसमें जो निम्फ में होगा वो विंग नहीं होते, विंग सिर्फ एडल्ट में होते हैं, ठीक है समझ गए होंगे, विंग पैड पाए जाते हैं निम्फ में, ठीक है। मैनी स्पीसीज ऑफ काक्रोच आर वाइल्ड, बहुत सारी स्पीसीज जो होती हैं काक्रोच की वाइल्ड होती हैं, यानी जंगली होती हैं, है और उसमें कोई इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है, उनमें कोई इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। मैनी स्पीसीज ऑफ काक्रोच आर वाइल्ड, बहुत सारी स्पीसीज ऑफ काक्रोच जो होती हैं वो वाइल्ड होती हैं यानी जंगली होती हैं, आर नो नोन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, और उसकी कोई भी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट को अभी तक नहीं जाना गया है, ठीक है। ए फ्यू स्पीसीज थ्राइव इन अराउंड द ह्यूमन हैबिटाट, जो काक्रोच की कुछ स्पीसीज होती हैं जो हमारे ह्यूमन हैबिटाट के अराउंड चारों तरफ पाई जाती हैं, यानी ह्यूमन हैबिटाट के पास पाई जाती हैं, जैसे हमारे हाउस होते हैं, हाउस में जहाँ पे डैम्प प्लेसेस होते हैं यानी गोदाम्स होते हैं, है ना, वहाँ पे पाई जाती हैं हमारे काक्रोच, स्पेशली जहाँ पे अंधेला होगा, डार्क एरिया पाया जाएगा वहाँ पे काक्रोच होगा, ठीक है, ये हमारे घरों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर पेस्ट बिकॉज, ये जो होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं, दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉयल फूड, यानी स्पॉयल का मतलब होता है सड़ाना यानी खराब करना, ये पेस्ट होते हैं, ये हमारे फूड को स्पॉयल कर देते हैं एंड और कंटामिनेट करते हैं, कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित करना, क्या होता है इसका मतलब दूषित करना, यानी किसी चीज़ को ख़राब करना, इसका भी मतलब ये वो घुमा फिरा के, ठीक है, ये हमारे फूड को सड़ा देते हैं यानी ख़राब कर देते हैं और उसको कंटामिनेट करते हैं यानी दूषित करते हैं। इट विथ देयर स्मेली इस्क्रीटा, वो अपने स्मेली इस्क्रीटा का मतलब हुआ बदबूदार फीकल मेटल, ठीक है, इसक्रीटा का मतलब यही हुआ फीकल मेटल, जिसका फीकल मेटल होता है वो स्मेली होता है, यानी फीकल मेटल किसी का भी होगा वो स्मेली होगा यार, क्योंकि इसमें बेस्ट मटेरियल होते हैं वो सब कंटामिनेट कलेक्ट होकर बाहर आते हैं तो वो स्मेल ही आएगी उसमें, ठीक है, याद रखेंगे। जो इसका जो कॉकरोच होता है ये अपनी स्मेली इसक्रीटा के द्वारा हमारे फूड को कंटामिनेट करता है, यानी उसको सड़ा देता है ना, उसको ख़राब कर देता है। दे कैन ट्रांसमिट ए वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल, ये जो होता है ना काक्रोच जो होगा एक टाइप की बहुत सारी ये बैक्टीरियल डिजीज को ट्रांसमिट करता है और फूड को कंटामिनेट करता है, कंटामिनेट फूड को कर देगा, क्योंकि ये काक्रोच जो होता है ओमनीवोरस होता है, क्या होता है ओमनीवोरस होता है यानी सारी चीज़ें खाएगा, यानी सर्वाहारी हिंदी में बोलें तो इसको क्या हो गए, काक्रोच जो होता है वो सर्वाहारी होता है, यानी सारी चीज़ें खाते हैं, कुछ ये चीज़ें इन्फेक्टियस चीज़ें खा लेगा, है ना, और वो फिर हमारे फूड को आके टच करेगा यानी कंटामिनेट करेगा, तो उससे हमें डिजीजेज फैलेंगी, उसमें बहुत सारी डिजीज फैल जाएंगी। ये हमको मेल काक्रोच का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम का कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं, है ना, उसका फिगर दिखाए गए हैं तो हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, टेस्टिस दिखाए गए हैं जो दोनों तरफ, ये टेस्टिस दिखाए गए हैं, ये टेस्टिस जो हैं वन पेयर टेस्टिस यानी दो पाए जा रहे हैं, तो यह क्या हो गया वन पेयर टेस्टिस हो गए, ठीक है, वन पेयर टेस्टिस जो होंगे वो पाए जाएंगे मेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। और ये जो फैलिक ग्लैंड होती हैं, फैलिक ग्लैंड जो होती हैं ये बिनेथ द मशरूम ग्लैंड यानी मशरूम ग्लैंड के नीचे पाई जाती हैं, ठीक है, ये एक एक्सेसरी ग्लैंड के तरीके काम करती हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हुआ स्मॉल ट्यूबुल्स हो गए, यानी छोटे छोटे ट्यूबुल्स हो गए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हुए ये यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूबुल्स हो गए, है ना, और ये क्या है लॉन्ग ट्यूबुल्स हैं, यानी लॉन्ग ट्यूबुल ये हमको दिख रहे हैं, है ना, ये सेमिनल वेसिकल हो गया, इसके थ्रू ये जो ऑक्युलेटरी डक्ट ओपन हो रही थी, ठीक है। ये वास डिफरेंस हो गया जो कि टेस्टिस से निकल रहा था, ठीक है, टेस्टिस से जाके निकल रहा था, ये हो गया इजैकुलेटरी डक्ट, यानी इजैकुलेटरी डक्ट यानी किसी चीज़ को इजैकुलेट करेगी यानी बाहर निकालेगी, ठीक है, बाहर निकालने वाली डक्ट को इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ये क्या हुआ राइट तरफ का फेलोमर हो गया, ठीक है, वेंट्रल फेलोमर, ये वेंट्रल साइड में यानी निचली साइड पे जो फेलोमर पाया जाएगा उसको वेंट्रल फेलोमर बोलेंगे। एनल कर्कस ये पाए जाएंगे, ठीक है, एनल सरकाई का
एनुअल सरकाई के तरीके हैं, ठीक है, एनुअल सरकस पाए जाएंगे जो बोथ सेक्सेस में पाए जाते हैं, दोनों सेक्सेस में पाए जाते हैं, ठीक है, और सिर्फ एनुअल जो स्टाइल होता है वो मेल में पाया जाता है, और ये क्या पाया जाएगा, काउडल स्टाइल पाए जाएंगे, है ना। मैंने आपको बताया जो स्टाइल होंगे वो सिर्फ मेल में पाए जाएंगे, यानी काउडल स्टाइल हो गया, और ये जो हो गया स्यूडो पेनिस यानी आभासी पेनिस, यानी फाल्स पेनिस, ठीक है, क्या होगा इसको, स्यूडो पेनिस को बोलेंगे फाल्स पेनिस, ठीक है, ये रियल का पेनिस नहीं है, ये फाल्स पेनिस है, सिर्फ दिखने वाला पेनिस है, यानी आभासी, ठीक है। और ये टिटिलेटर, ये टिटिलेटर हुआ, और ये लेफ्ट फेलोमर हो गया, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट, ठीक है। जो ओवेरी पाई जाती हैं, इसमें जो को भी वन पेयर पाई जा रही है, एक ये ओवेरी एक ये ओवेरी, तो यानी वन पेयर ओवेरी पाई जाएंगी जो कि लेटरल साइड पे होंगी, यानी अगल बगल साइड पे, ठीक है। और ये फिर ओवेरी जो बनाएंगे, एक कॉमन बनाएंगी जो ओविडक्ट बनाएंगी, ठीक है, कॉमन जो एक डक्ट बनाएंगी ओवेरी मिलकर ओविडक्ट बना देंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉमन ओविडक्ट एक वजाइना के तरीके काम कर रही थी, जो कॉमन ओविडक्ट थी एक वजाइना के तरीके काम कर रही थी, ब्रॉडर हो गई थी, चौड़ी हो गई थी, है ना, और वो वजाइना के तरीके काम कर रही थी। ये कोलेट्रल ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलेट्रल ग्लैंड जो होती हैं किसमें पाई जाती हैं, कोलेट्रल ग्लैंड जो होती हैं वो सिर्फ कहाँ पे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो ये फिर इसके बाद क्या हुआ, जेनिटल चैम्बर था, ये यहाँ पे जेनिटल चैम्बर हुआ, और ये वेस्टिबुलम हो गया, ये क्या हुआ, वेस्टिबुलम हो गया, और इसमें क्या है, उथिका, उथिका का भी हमको फिगर दिखाया गया, इसमें उथिका तो नहीं, फिगर नहीं दिखाया गया है ना, उथिका क्या था, कैप्सूल में इनकेस हो जा रहे थे बंडल में, तो वो उथिका बना दे रहा था, ठीक है। इसमें क्या है, स्पर्मेथिका, है ना, स्पर्मेथिका, और ये क्या है, गोनोपोफाइसिस। इम्पॉर्टेंट चीज वो क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यहाँ पे जेनाइटल पाउच होता है, जेनाइटल पाउच होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो किससे किससे मिलके बना होता है, जो जेनाइटल पाउच होगा ना, वो जेनाइटल पाउच में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, एक जेनाइटल चैम्बर आ जाएगा और वेस्टिबुलम आ जाएगा। ये इस फिगर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है कि जेनाइटल पाउच में कौन कौन से आ जाएंगे, तो जेनाइटल पाउच में कौन कौन से आ जाएंगे, जेनाइटल चैम्बर आ जाएगा और वेस्टिबुलम आ जाएगा, ठीक है, जेनाइटल पाउच में, ये याद रखेंगे, ये हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, ऑप्शन में देखें कि जेनाइटल पाउच में कौन कौन से आते हैं स्ट्रक्चर, तो जेनाइटल चैम्बर आता है और वेस्टिबुलम आता है, ठीक है। कोलेट्रल ग्लैंड जो पाई जाएगी कहाँ पे पाई जाएगी, सिर्फ कोलेट्रल ग्लैंड जो पाई जाएगी वो सिर्फ फीमेल में पाई जाएगी, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक सिस्टम है, सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव ऑफ काक्रोच खत्म हो गया, हमने अच्छे से पढ़ लिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काक्रोच, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम फ्रॉग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। फिलहाल हमारा काक्रोच का टॉपिक जो था वो पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, अब फ्रॉग के टॉपिक पर हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू लाइक माई सेशन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यू हैव अ नाइस डे, शूट इन विद मी, वॉच द वीडियो एंड कीप सपोर्ट।